नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी और चिराग पासवान के बीच सियासी दोस्ती की खबरें सामने आ रही थी। दोनों दलों के बीच दोस्ती के कयास लगाए जा रहे थे, दोनों के राजनीतिक दलों के बीच, यानी वीआईपी पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। लेकिन दोस्ती की यह कहानी आगे बढ़ती, दोस्ती की स्क्रिप्ट पर और काम होता, उससे पहले ही मुकेश सहनी ने अपनी चिराग पासवान को और उनकी पार्टी को नाराज कर दिया है, उनकी पार्टी के लोगों को नाराज कर दिया है। दरअसल इसकी वजह है मुकेश सहनी का एक बयान। मुकेश सहनी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से चिराग पासवान की पार्टी के नेता काफी नाराज हैं और मुकेश सहनी को उन्होंने बड़बोला बता दिया है। मुकेश सहनी ने क्या बयान दिया है वो भी हम आपको सुनाएंगे, पूरा बयान आपको दिखाएंगे। दरअसल मुकेश सहनी का एक बयान बड़ी चर्चा में है आज के दिन। लगातार कई दिनों से उनके बयान की वजह से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, माफ कीजिएगा। और वो बयान ये है कि वो अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव मुकेश सहनी इस तरह के दावे पहले भी करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही यह भी कहा कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अपने दम पर अपने पिता के दम पर राजनीति में आगे आए हैं और मुकेश सहनी अपने संघर्ष के दम पर, यानी मैं अपने संघर्ष के दम पर आगे आया हूं। यही वो बयान है जिसको लेकर चिराग पासवान की पार्टी नाराज हो गई है, उनकी पार्टी के नेता नाराज हो गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने मुकेश सहनी को बड़बोला बताया है, उन पर पलटवार किया है। सुनिए राजू तिवारी क्या कह रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी जी ने क्या कहा है नहीं कहा है उनका बड़बोलापन है, यही बड़बोलापन के चलते आज मुकेश सहनी जी को रिचार्ज कूपन कहते थे उसे, ये बात नहीं है। चिराग पासवान जी की तुलना क्या करते हैं, चिराग पासवान जी के पिता के स्वर्गवास उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनके परिवार को तोड़ा गया, उसके बाद चिराग पासवान ने जिस तरह से आशीर्वाद यात्रा शुरू किए हाजीपुर से और वो जनसैलाब बिहार के सारे अनुमंडल और जिला में देखे होंगे आप, तो चिराग पासवान के पिता के स्वर्गवास के बाद पार्टी को तोड़ने के बाद वो निकले आशीर्वाद यात्रा के लिए जन जन में और जन जन में सारे दिन को राज करने का काम चिराग पासवान कर रहे हैं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत क्या, युवा अपना भविष्य देख रहे हैं चिराग पासवान में, बिहार के सभी बुजुर्ग पहले अपना जाति पाति ध्वजा तोड़ करके चिराग पासवान में अपना भविष्य देख रहा है, तो ये क्या कौन बोलता है उसको मैं नहीं जानता हूँ। बिहार के जनमानस पे आप जाकर के पूछिए, देखिये बिहार की जनता चिराग पासवान में अपना भविष्य देख रही है, तो जनता मालिक है ना, जनता जनार्दन मालिक है और नेता और अभिनेता क्या बोलते हैं इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। असली मालिक बिहार की जनता, बिहार की जनता का जिसको आशीर्वाद मिलेगा वही बिहार पे राज करेगा, तो वही बिहार की जनता का सेवा करेगा। वो कहते हैं मल्लाह का बेटा है हम संघर्ष, अरे भाई कोई किसी का बेटा ही होता है ना, ये बार बार कहने क्या हो सकता है, कोई मल्लाह का बेटा सब बाप का बेटा है, बार बार ये सब देखिए यही होता है ना, बार बार एक बार नहीं, हम तो हजारों बार सुन चुके मल्लाह बेटा है, कहां उनका मल्लाह बेटा नहीं है, हम भी तो कह रहे हैं मल्लाह बेटा है, मल्लाह बेटा है, बंबई में फिल्मी दुनिया में बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है जैसा कि मैं उनके बारे में सुना हूँ, और हेलीकॉप्टर से गए थे उत्तर प्रदेश, हेलीकॉप्टर पंचर हो गया उनका, मानिए हेलीकॉप्टर से वो दौरा करते हैं, वो कहाँ गाड़ी से चलते हैं, वो तो हम उनको 2014 देखे एक बार से लेकर जो भी यात्रा होती है उनका वीआईपी पार्टी का नाम भी उनका वीआईपी है, मैं उनके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि अपना काम करें, किसी नेता पर आरोप प्रत्यारोप के बजाय हम अपने काम करें, हमारा सिद्धांत क्या, हमारे नेता का मूलभूत हम लोग उनके पार्टी के कार्यकर्ता है पदाधिकारी, हम लोग को स्पष्ट मान नेता बोलते अपने काम पर विश्वास रखिए, हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप करके अपना संगठन अपना काम नहीं कर सकते हैं, ये आरोप प्रत्यारोप वाला दौर नहीं रह गया, हम जाएंगे, हमारे नेता का आदमी चिराग पासवान जी का स्पष्ट आदेश है कि हम जाएंगे किसी बारे बोले कि हमारे पार्टी में फुर्सत नहीं है, हम लोग जाते हैं अपने संगठन का काम करते हैं, अपने नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपने को उनके सोच को जनता जनार्दन के बीच में लाते हैं और चिराग पासवान जी का जो बिहार में बिहारी प्रतिनिधि है उसको हम लोग जनता के बीच में जाते हैं
यहाँ पर समस्या रहते हैं उसको मानेंगे, बेरोजगारी बेरोजगारी पलायन भ्रष्टाचार स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ व्यवस्था क्या है, शिक्षा व्यवस्था बदतर है, ये जो मुद्दा है जो बिहार के बिहारियों का मूलभूत मुद्दा है उसको लेकर के हम जनता के बीच जाते हैं, उसकी समस्याओं की लड़ाई लड़ने का काम हमारी पार्टी करती है। हम लोग किसी नेता होता का जवाब देना नहीं चाहते हैं।